इतनी नमक जैसा है ना कि मत पूछो। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर मैं पब्लिक बीच में ना आता हूँ ना तो मेरा पूरा फेस काला हो जाता है, क्योंकि नमक का पानी जो है ना बहुत खराब है भाई। यहाँ का लोग जो ना काफ़ी फ्रेंडली होता है और काफ़ी अच्छे से बात करता है, ठीक है, रिस्पेक्ट देखे। लेकिन एक प्रॉब्लम यही है कि हम लोग इंडियन है ना, तो हम लोग का फेस जो ना मिलता जुलता है बांग्लादेश के साथ ना, इसीलिए हम लोग को ज़्यादातर बांग्लादेशी बोलता है। करती हो पढ़ाई भी करती हो? हाँ, तो पार्ट टाइम जॉब तो यहाँ पे इजी मिल जाता है, लेकिन ढूंढना पड़ता है। अभी 3 घंटे का ब्रेक होती है, अब 6 बजे फिर वापस आते हैं। मेहनत बहुत ज़्यादा है, पढ़ाई करो जो है। चलो ठीक है, मिलता हूँ। आप लोग से मिलकर बहुत अच्छा लगा, तो क्या बाय बोल दीजिए। Not interview, only traveling. Hello, this is Rochi, Maurici Rochi. Rochi? Yeah, famous food, roti. YouTube. Yeah, YouTube. Okay, hello YouTube. Where are you from? India. Okay, hello India. Okay, bye. Okay, thank you. Bye, thank you. Thank you. Okay. पाँव तो नहीं कट गया ना मेरा यार? नहीं यार। जैसे कि आप लोग देख रहे थे पिछला वीडियो में, इसी पब्लिक बीच में घूम रहा था, आप लोगों को दिखा रहा था, मैंने उसी वीडियो में बोला था आप लोगों को कि और भी एक पार्ट आएगा, क्योंकि मेरे पास जो है ना घूमने का टाइम नहीं है, तो इसी तरह का वीडियो बनाता आप लोग को दिखाता हूँ। और मैं ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं बनाता हूँ, इसीलिए मैं सोच रहा कि 2 पार्ट में डाल देता हूँ, ताकि मुझे आगे भी एक वीडियो बनाने का मौका मिल जाए। तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत सा पब्लिक बीच है। लाओ मेरा कैमरामैन, ये है समीर भाई। हेलो भाई, कैसे हो? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, घूमने की जगह बहुत है भाई। आप तो ये काफ़ी लंबा बीच है, जाऊंगा तो काफ़ी दूर तक है, लेकिन हम लोग सोचा कि यहीं पर ना आऊँगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना एक नल लगा हुआ है जहाँ पे सादा पानी आता है, नमक वाला पानी नहीं आता है, टूरिस्ट लोग के लिए स्पेशल बना गया है। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर नहा लूँगा, तो वहाँ पर भी जाके नहा लूँगा तो मैं जब पूरा फ्रेश हो जाऊँगा, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि यहीं पर नज़दीक नहा लेता हूँ। पानी नमक जैसा है ना कि मत पूछो, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर मैं पब्लिक बीच में ना आता हूँ ना तो मेरा पूरा फेस काला हो जाता है, क्योंकि नमक का पानी जो है ना बहुत खराब है भाई। मैं ना ज़्यादा टाइम नहाया नहीं, क्योंकि मैं ऊपर बैठ गया था, क्योंकि मेरा जो है ना नोचने लगा था, ये सब पता नहीं क्यों, नमक वाला पानी है ना तो शायद एलर्जी होगा, इसलिए मैं नोच रहा था। तो काफ़ी लोग जो नहाता है ना तो इतना खारा पानी है ना, उसका जो है ना स्किन छिलने लगता है। मेरे हॉस्टल में 1-2 दिन बंदा है जिसका पूरा स्किन छिलने लगा था, इसीलिए वो लोग नहाने कभी आता नहीं है। ना के जी भर गया? ना के भाई एकदम आनंद आ गया भाई। अब जाके 2 घंटे के बाद उसका जी भरा नहा के, अब देख सकते हो पूरा फेस काला हो गया, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक नल लगा हुआ है, वहाँ पे जाके नहाऊंगा। ये देख सकते हो, जब नल खोलो, ये जो देख रहे हो ना आप नहा सकते हो, इसमें फ्री है, 1 रुपये भी देना नहीं पड़ेगा। और ये पब्लिक लोग के लिए बनाया गया है मॉरीशस में, जितना भी पब्लिक लोग यहाँ का हो या कोई बाहर से आता है तो फ्री में नहा सकता है। ये पानी जो है ना नमक वाला नहीं है, पूरा सादा वाला पानी है। जब हम लोग नमक में नहाते हैं ना तो पूरा नमक शरीर में लग जाता है, चिपचिपा हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर आके आप फ्री में नहा सकते हो। और आपके जो देखते हो पीछे टॉयलेट है, ये भी फ्री में है, 1 रुपये भी नहीं लगता है। यही चीज़ अगर दूसरा कंट्री में होगा या इंडिया में होगा तो आपको पैसा लगेगा, वो कुछ भी करो उसके लिए पैसा लगेगा, नहीं यहाँ पे पूरा फ्री है। अरे यार ये तो वो ठंडा पानी है यार, मज़ा आ रहा ना यहाँ पे, तो मज़ा ना आ रहा है। हाँ यार सादा पानी है पूरा, मतलब ये पूरा बोला सादा पानी है, वहाँ से ज़्यादा अच्छा है। मुँह दब रहा था वहाँ पे ना, नमकीन नमकीन लग रहा है। नमकीन नहीं है, सादा है, मतलब मज़ा आ रहा है यार। समंदर में नहा के ना पूरा काला हो गया, बहुत ज्यादा बकवास लग रहा है, लेकिन ये पानी ना बहुत अच्छा है। आंख लाल लाल हो गया, आंख लाल लाल हो गया। आपके वजह से तो हुआ मेरा। अब क्या करेंगे, इतनी दूर से आए तो नहाए तो जाएंगे। हाँ जी भर के नहा, बार बार थोड़ी नहा पाते हैं। हाँ। छुट्टी मिलता नहीं हमेशा, दोनों जितना चार नल लगा हुआ है, उधर दो है इधर दो है, चार नल है जिसमें भी नहा, जिसमें भी नहा लो उसमें नहा। आप कैमरा रख देता हूँ मैं, पहले नहा लेता हूँ अच्छे से। हो गया अच्छे से नहा लिए? हम लोग जो आए थे ना नहाने के मन से ही आए थे, और हम लोग कपड़ा उपड़ा सब कुछ लेके आए थे, इसीलिए हम लोग नहा लिए, नहा के हम लोग जा रहे हैं। इस बार जो है ना पब्लिक बीच के किनारे किनारे नहीं जाऊंगा, ऑलरेडी नहा लिया हूँ, तो हम लोग अभी इस बार हम लोग जाएंगे रोड के किनारे किनारे, है ना? इससे अच्छा रहेगा। हाँ तो हम लोग कुछ खा लेंगे जी। हम लोग सुबह आए थे, शायद 1:30 बज गया था आते आते, अभी जो है ना 4 बज रहा है शाम का, और इंडिया में शायद अभी 5:30 बज रहा है, क्योंकि 1.5 घंटे का फ़र्क है मॉरीशस और इंडिया।
और यहाँ पे गर्मी है और इंडिया में ठंडी है, ये चीज़ काफ़ी उल्टा है। तो ये है बस स्टॉप, लेकिन हम लोग जाएंगे रेस्टोरेंट, कुछ खाएंगे, इसके बाद फिर चलेंगे अपना अपना हॉस्टल, बस लेंगे। बोजू मामू कैसे? चिकन चिकन चिकन। तो वो लोग जो है ना किरोल है, मतलब मोरिसन है, तो वो लोग को बोजू बोल दिया। और यहाँ पे बोजू का मतलब नमस्ते, और मामो ज़्यादा बोलना यहाँ पे, आपको भैया मत बोलना, अंकल मत बोलना, किसी को आंटी मत बोलना, किसी को होगा तो भाभी बोल देना, किसी को बोल होगा तो दोस्त बोल देना, और जितना हो सके उतना मामो बोलो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देख सकते हो अपना फैमिली के साथ यहाँ पे सब एंजॉय कर रहा है। जो है ना मोरिसन है, वहाँ पे अपना सब फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा है, तो बोला कैमरा दिखाओ इधर घुमाओ, तो हाई बोल रहा था। यहाँ का लोग जो ना काफी फ्रेंडली होता है और काफी अच्छे से बात करता है, ठीक है, रिस्पेक्ट देके। लेकिन एक प्रॉब्लम यही है कि हम लोग इंडियन है ना, तो हम लोग का फेस जो ना मिलता जुलता है बांग्लादेश के साथ ना, इसीलिए हम लोग को ज़्यादातर बांग्लादेशी बोलता है। और एक चीज़ ज़्यादा अच्छा लगता है कि यहाँ का लोग जो ना काफ़ी अच्छा होता है, जिसको हिंदी आता है हिंदी में बात करता है, और जिसको नहीं आता है थोड़ा थोड़ा तो वो लोग का आता ही है, पूरा ना आए लेकिन थोड़ा थोड़ा आता है सबको, हिंदी यहाँ पे आता है। और ये पब्लिक बीच ना काफ़ी लंबा था, अगर मैं चलते जाता तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि इस बार जो है ना रोड के किनारे किनारे चलूँगा और आप लोग को दिखाऊँगा। और आप लोग को कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इतना तो कर ही सकते हो, और हो सके तो लाइक भी कर देना। इधर आ जाओ, इधर आगे चले जाओ, इस साइड आ जाओ, उधर पब्लिक बीच है, और यहाँ पे उसके साइड में ही एक आप देख सकते हो कब्रिस्तान बना हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हो। और ये मुस्लिम लोग का कब्रिस्तान नहीं है, ये जो कब्रिस्तान है क्रिश्चियन लोग का है, अरे बहुत बड़ा है, छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। कुछ खाना भाई? यस क्या? ये मैं आपके ब्लॉग देखती थी। सच्ची? कहाँ से हो आप? मैं इंडिया से, गुरदासपुर से। घूमने आई हो यहाँ पे? स्टडी पे आई। पढ़ने? थैंक यू। मैं यही सोच रही थी कि मैं आपसे मिलूंगा, कब आई हो? मैं हो गया अभी एक मंथ होने वाला है। नहीं ये कैमरा है, जो बाहर का नॉइस ना नहीं आएगी, इसलिए ध्यान से देख रही थी। नहीं कैमरा है काफी, ये जो तार है ना उसको देख के कोई भी बोलेगा। यहाँ पे होती है, मैं कभी सोचा नहीं था आप लोग से मिल पाऊंगा, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है मिलने के। मुझे हो रही है की मैंने आपको यूट्यूब पे देखा और अभी ऐसे मिल गई। ये मॉरिशस काफी छोटा देश है, हर कोई मिल जाता है। तो यहाँ पे आप रूम पे मतलब कंपनी की तरफ से रूम दिया है कि मतलब कॉलेज? अच्छा लग रहा है कि नहीं? बहुत अच्छा है। हाँ ज्यादातर जो स्टूडेंट का सपना होता है ना वो यूरोप कंट्री में होता है, लेकिन ये यूरोप कंट्री तो नहीं है, लेकिन तो यहाँ से आगे। चलो अच्छी बात है, अगर आप लोग जा पाओगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जा पाओगे नहीं, जाना है। आप एक्सपीरियंस लेना आई हो? आप लोग काम भी करती हो पढ़ाई भी करती हो? हाँ तो पार्ट टाइम जॉब तो यहाँ पे इजी मिल जाता है, लेकिन ढूंढना पड़ता है। अभी 3 घंटे की ब्रेक होती है, अब 6 बजे फिर वापस जाना है। मेहनत बहुत ज्यादा है, पढ़ाई करो तो है। चलो ठीक है, मिलता हूँ आप लोग से, मिलकर बहुत अच्छा लगा, ओके बाय बोल दीजिए। नमस्ते भैया, दोनों यहाँ दो जीपे यहाँ पे ना, ये भाई साहब ये बॉस है यहाँ का, बॉस काफ़ी अच्छा है, मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ ना पब्लिक बीच में यहीं पे खाता हूँ, तो काफ़ी टेस्टी बनाता है, अगर आप लोग आते हैं तो इस रेस्टोरेंट में आके खा सकते हो। यहाँ पर आपको सब खाने के लिए मिल जाएगा, लेकिन इंडिया जैसे नहीं मिलेगा, इंडिया से अलग मिलेगा, लेकिन यहाँ का खाना अलग है, इंडिया जैसे नहीं है। वड़ा पाव नहीं मिलेगा, समोसा नहीं मिलेगा, चाइनीज नहीं मिलेगा, मंचूरियन नहीं मिलेगा, इंडिया जैसा अलग है, छोले भटूरे भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे खाना अलग है तो देश भी अलग है, लैंग्वेज जो है ना हिंदी यहाँ पे थोड़ा बहुत चलता है। और आप देख सकते हो ये बॉस है और एक तीनों भाई जो है ना बांग्लादेश का है, तो यहाँ का खाना अलग है लेकिन टेस्टी होता है। अभी मैंने जिप्पा ऑर्डर किया, जिप्पा आपको दिखाता हूँ कितना अच्छा है। आपका नाम बता दो यार, नाम नहीं बोला। इमरान। इमरान ठीक है भैया, चलता हूँ।
ओके आओ। हाँ आऊंगा, आता रहता हूँ यहाँ पे। तो खा लो भैया, कितना मस्त है, देखो टेस्ट करके, क्योंकि ये बहुत अच्छा बनाता है, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा मतलब फेमस है पब्लिक बीच के पास। ये जो है ना, अगर आप लोग दूसरे जगह पर लेते हो तो 100 रुपये लगेगा, लेकिन ये पब्लिक बीच के पास है ना तो थोड़ा महंगा लेता है। हेलो, इज इंटरव्यू? नॉट इंटरव्यू, ओनली ट्रैवलिंग। हेलो, दिस इज रोची, मोरिश रोची। रोची? या फेमस फूड रोटी। यूट्यूब? या यूट्यूब। ओके, हेलो यूट्यूब, वेयर यू फ्रॉम? इंडिया। इंडिया। ओके, हेलो इंडिया। ओके बाय। थैंक यू, बाय। थैंक यू। ओके, कैमरा देखते हैं, बोला ना यहाँ का सब कोई फ्रेंडली होता है तो देखते ही हाई हेलो करने लगता है। तो हम लोगों ने ले लिया, अभी खाऊंगा। इसको जीपा बोलता है, काफ़ी फेमस फूड है यहाँ का। जैसे कि मैंने बोला, इंडिया से यहाँ तो खाना नहीं मिलता है, यहाँ पे देश अलग है तो खाना पीना भी अलग है। तो अभी मैं ले लो भाई, तो अभी मैं यहीं पर वीडियो ख़त्म करता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो चलो फिर, कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ मॉरीशस में, जब तक हूँ यहाँ से जब जाऊँगा तो फिर मैं ट्रैवल करूँगा, घूमूंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में।